आज का अपना टॉपिक है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस की डेफिनेशन क्या है? इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट लैक्टोज ड्यू टू एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ लैक्टेज एंजाइम। लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से जो लैक्टोज के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, मेनली मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं, उनको अपन डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो उस डिजीज कंडीशन का क्या नाम है? लैक्टोज इंटॉलरेंस। मीन्स डेफिनेशन, इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट लैक्टोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ लैक्टेज। नॉर्मली जो लैक्टेज होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका सिक्रेशन होता है, वहां पे लैक्टोज के जैसे कुछ भी प्रोडक्ट्स अपन ने, जैसे मिल्क के कुछ भी प्रोडक्ट्स का अपन ने इंटेक किया है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन से लैक्टेज एंजाइम का सिक्रेशन होगा, उसके साथ में बाइंड होंगे और बाइंड होने के बाद में ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट होंगे। नॉर्मली क्या होता है, ग्लूकोज प्लस क्या होता है, लैक्टेज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लैक्टेज एंजाइम वहाँ पे होता है, लैक्टेज एंजाइम इनसे क्या होता है, बाइंड होता है, रिएक्शन होती है, फिर ग्लूकोज से ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट होता है और ये अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब होता है और स्टोर्ड रहता है। लेकिन लैक्टेज की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, जैसे लैक्टोज है स्मॉल इंटेस्टाइन एब्सेंस हो गई एंजाइम की, वहां से लार्ज इंटेस्टाइन में, अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहां पे फर्मेंट होना, इंटेस्टाइनल जो फ्लोरा होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, वो इसको क्या है, फर्मेंटेशन होना स्टार्ट हो जाता है इसका। फर्मेंटेशन की है कि वजह से क्या होगा, गैस प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। गैस प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, इसके अलावा वाटरी डायरिया, लैक्टोज डिजीज कंडीशन में क्या होता है, लैक्टोज अपन जैसे मिल्क प्रोडक्ट अपन इंजेस्ट करते हैं, इनटेक करते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का, लैक्टेज एंजाइम के डेफिशिएंसी की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टेज का सिक्रीशन नहीं होता है, तो जो भी अपन ने इंटेक किया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी फ्लोरा होते हैं नॉर्मली वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फर्मेंटेशन की वजह से क्या होगा, गैस प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा और वाटरी कलर का डायरिया, इसकी वजह से क्या है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये लैक्टोज क्या है, डाइसैकेराइड्स है, नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्म है, डाइसैकेराइड्स है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका असेसमेंट फाइंडिंग्स में क्या करते हैं, चेक करते हैं असेसमेंट फाइंडिंग में क्या होगा, वाटरी कलर का डायरिया होगा, अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, सीवियर अब्डोमिनल पेन होगा, इसके अलावा डिहाइड्रेशन भी हो सकता है डायरिया की वजह से, ठीक है। ये इसके मेन क्या है, असेसमेंट फाइंडिंग और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या करते हैं अपन, लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट परफॉर्म करते हैं, लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट में क्या करते हैं, फर्स्टली अपन पेशेंट है जो भी, उसको या बेबी को क्या करते हैं, 8 आवर्स के लिए NBM रखते हैं। 8 आवर्स NBM रखने के बाद में क्या करते हैं, बेबी का RBS चेक करते हैं, RBS चेक करते हैं, रीडिंग को नोट करते हैं। RBS चेक करने के बाद में क्या करते हैं,
बेबी को 2 ग्राम पर केजी क्या करते हैं, शुगर या लैक्टोज एडमिनिस्टर करते हैं 2 ग्राम पर केजी। जैसे किसी बेबी का वेट 10 केजी है तो उसमें 20 ग्राम एडमिनिस्टर करेंगे। एडमिनिस्टर करने के बाद में क्या करते हैं, फिर से आरबीएस चेक करते हैं 1 to 2 आवर्स बाद में, नॉर्मली 1.5 घंटे बाद में चेक कर लेते हैं। 1.5 घंटे बाद में चेक करते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट क्या होगा, अगर आरबीएस जो अपने पहले चेक किया था उसमें से लेस देन 20 mg पर डीएल क्या है, इंक्रीज हुआ है, तो टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है। और अगर आरबीएस में मोर देन 20 mg पर डीएल अगर इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो क्या है, टेस्ट नेगेटिव है। ये इसका एक मोस्ट कॉमन टेस्ट है जो अपन लैक्टोज इंटॉलरेंस को देखने के लिए करते हैं। कौन सा टेस्ट, लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट। लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट में क्या करते हैं, फर्स्टली बेबी को 8 आवर्स के लिए एनबीएम रखते हैं। एनबीएम रखने के बाद में उसका क्या करते हैं, लैक्टोज एडमिनिस्टर करने से पहले, शुगर एडमिनिस्टर करने से पहले क्या करेंगे, उसका आरबीएस चेक करते हैं। आरबीएस चेक करने के बाद में उसको 2 ग्राम पर केजी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको शुगर एडमिनिस्टर करते हैं। एडमिनिस्टर करने के बाद में क्या करते हैं, बेबी का आरबीएस चेक करते हैं। आरबीएस कितने टाइम बाद में, 1 से 1.5 घंटे बाद में चेक करते हैं। 1 से 1.5 घंटे चेक करने के बाद में देखते हैं, अगर आरबीएस की रीडिंग जो पहले की रीडिंग है उसके कंपेरिजन में अगर लेस देन 20 मीन्स 20 mg पर डीएल से कम अगर इंक्रीमेंट हुआ है, बड़ी है वैल्यू, तो क्या है, टेस्ट पॉजिटिव है। और अगर मोर देन 20 mg पर डीएल से ज़्यादा बड़ा है तो मिस टेस्ट क्या है, नेगेटिव है। नेक्स्ट अपन आते हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में इसका क्या है, इसके जैसे लैक्टेस के क्या आते हैं, कैप्सूल्स आते हैं, उन कैप्सूल्स को बेबी को अपन क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, मीन्स उन कैप्सूल्स के इंटेक के लिए इंक्रीज करते हैं। उन कैप्सूल्स को क्रैश नहीं करना है, श्रिंग नहीं करना है, बिफोर फूड एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। इसके अलावा क्या करते हैं, फूड पार्ट, जैसे कि बेबी को योगर्ट हुआ, चीज हुआ, ऐसे फूड पार्टिकल्स का इंटेक के लिए क्या करते हैं, एंकरेज करते हैं। इसके अलावा कैल्शियम के टैबलेट्स या कैल्शियम के सप्लीमेंट्स बेबी को देते हैं, क्योंकि अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देते हैं। इसके अलावा गैस फर्मेंटेशन प्रोडक्शन को रोकने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स अवॉइड करेंगे जो क्या करते हैं, गैस प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है, मींस जो इंटॉलरेंस कॉज करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स के कंजप्शन को अवॉइड करेंगे, मेनली मिल्क प्रोडक्ट्स के। ये हमारी डिजीज है लैक्टोज इंटॉलरेंस। सिर्फ इसमें खास क्या है, कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, इसके अलावा लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। ये अपना टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ, लैक्टोज इंटॉलरेंस।